शरद अल्लाह तला के बारे में रिवायत है कि माय शरत अल्लाह तला ने आग को याद किया जहन्नम को याद किया रो पड़ी अम्मा आयशा रोने लगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से कहा ए आयशा तुम क्यों रो रही हो अम्मा आयशा कहती हैं कि ज़कर तुन्ना रफा बकै अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की याद आ गई जहन्नम को याद किया इसलिए आंसू बह पड़े मैं रोने लगी अल्लाह के नबी आसलाम से कहती हैं कि अल्लाह के नबी आ सलाम क्या आप अपने घर वालों को याद रखोगे क़यामत के दिन क्या आज हम आपके साथ हैं क़यामत के दिन आप अपने साथ हमको रखोगे नबी आईलाम ने कहा आयशा तीन जगहों पर तो कोई किसी को नहीं पूछेगा तीन जगह पर कोई किसी का हाल नहीं मालूम करेगा और वो तीन जगह कौन है जब पुलिस रात पे से गुजरना होगा जहन्नम की पीठ पर पुरसरात को जो है बिछा दिया जाएगा और डाल दिया जाएगा और उस पर से सब को गुजरना होगा और जब अमल किया जाएगा अमल साले का वजन किया जाएगा न और बुराइयों को थौला जाएगा उस वक्त भी कोई किसी को नहीं पूछेगा और जिस वक्त लोगों का नाम अमल तकसीम हो रहा होगा दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में इन सारे मातिन में सारे जगहों में सबको अपनी फिक्र पड़ी होगी कोई किसी की पूछने वाला नहीं होगा अल्लाह के नबी आई